तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक रूम की लाइट फिटिंग कैसे होती है, एक रूम में कितना सामान लगता है, कौन कौन सा लगता है और आरसी जब डलती है तो एक मकान में कितने कंसील्ड बॉक्स लगते हैं, कितना फैन बॉक्स लगते हैं, कितनी वायरिंग होती है, कितने बैंड लगते हैं, वो सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको दिख रहा होगा डायग्राम से समझाने वाला हूँ, आपको दिख रहा होगा ये जो चौकोर आपको आयत की तरह दिख रहा होगा, ये तो है दोस्तों मकान जो होता है उसका कमरे की छत है। और छत में क्या लगता है, जब छत ढलाई होती है, आरसीसी जब डलती है तो उसमें क्या होता है, जो लाइट फिटिंग करने वाला मिस्त्री होता है उसमें पाइपिंग करता है। तो पाइपिंग किस प्रकार करता है, जिसमें आपको मैं वायरिंग से समझाने वाला हूँ। छत ढलाई में आपको दिख रहा होगा ये जो लेंटर है उसमें बीम और कॉलम होते हैं, बीम और कॉलम, लटक बीम होता है और बीम बहुत से प्रकार के होते हैं। तो बीम आप दिख रहा होगा ये लटक बीम होता है और ये कॉलम होता है, तो ये दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपको दिख रहा होगा कि उसमें बीच में जो नाप लेके बीच में जो कमरा है उसके बीच में फैन का पॉइंट मतलब फैन बॉक्स लगाया जाता है। और फैन बॉक्स लगाने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ से एक एक पाइप आपको तिरछा आपको दिख रहा होगा, तो कोने में जो मकान का जो कोना होता है उससे दो दो फीट या तीन तीन फीट छोड़ के आप जो कंसीट बॉक्स है वो लगा दीजिए। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे जब आरसीसी ढलाई होती है उससे पहले आपको क्या करना है, कंसीट बॉक्स के नीचे है वो आपको कार्टून या गत्ता लगा देना है या अखबार लगा देना है, न्यूज़पेपर, जिससे क्या है वो जो छत ढलाई होगी तो उसमें जो कचरा है वो नहीं जाएगा और लाइट फिटिंग है उन मिस्त्री को भी ज़्यादा वो नहीं होएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ पाइप इसमें लगते हैं, बैंड लगाई जाती है, बैंड लगाई जाती है नीचे वायरिंग, कमरों की जो दीवारों में जो बॉक्स लगते हैं वहाँ पर उतारने के लिए वो बैंड लगाए जाते हैं, कंसील्ड बॉक्स लगाए जाते हैं और फैन बॉक्स लगाए जाते हैं, ये आइटम काम में आता है। जो फैन बॉक्स है वो एक कमरे में एक ज़्यादातर लगाया जाता है, आप दो भी लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों एक ज़्यादातर आपने देखा होगा तो एक लगा दीजिए। और कंसील्ड बॉक्स है वो एक कमरे में चार मिनिमम होने चाहिए, चार या आप दो भी लगा सकते हो, अगर कंसील्ड लाइट ज़्यादा वाट की आप लगाना चाहते हो तो दो भी सही है, लेकिन चार ज़्यादातर लगाए जाते हैं, तो चार आप लगा दीजिए कंसील्ड लाइट कोनों में दो दो फीट छोड़ के। और फिर आपको क्या करना है, बैंड उतारना है, तो बैंड वहाँ पर जो फैन बॉक्स होता है उसमें पाइप के लिए छेद बने होते हैं, उसमें बने होते हैं आठ बने होते हैं, उसमें से आप पाइप कर सकते हो, पाइप उसमें लगा सकते हो, घुसा सकते हो और फिर उस हिसाब से आप पॉइंट निकाल सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है वो मैंने आपको बताया है। और आपको बता दूँ जो एक रूम की जो लाइट फिटिंग है उसमें पाइप, बैंड, कंसील्ड बॉक्स और फैन बॉक्स, मतलब एक कमरे का जो आपको खर्चा बता दूँ मैं, जिससे एक तो फैन बॉक्स, चार कंसील्ड बॉक्स और आप बैंड कितना, ज़्यादातर कमरों में तीन बैंड उतारे जाते हैं, दो भी उतार सकते हो। और जो पाइप है वो 20 mm 25 mm के आते हैं, तो आपको बता दूँ 25 mm के ज़्यादातर लगते हैं, 20 mm के ओपन फिटिंग में लगते हैं। और फिर आपको बता दूँ 20 mm का अगर पाइप होगा तो 20 mm के ही बैंड होगी, अगर 25 mm का पाइप होगा तो 25 mm की पीजी होगी और जो होता है बैंड होगा। तो पीजी मैं आपको बता दूं जो बल्ब का पॉइंट होता है उसके वहाँ पर लगता है, मतलब जो बोर्ड होता है लाइट का उसके जस्ट ऊपर है वो बल्ब का पॉइंट दिया जाता है, और बल्ब जब पॉइंट दिया जाता है तो पीजी अंदर लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने ये सब चीज़ बताया आपको, पीवीसी बैंड बताया, 20 mm 25 mm के पाइप कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे कई वीडियो मिलती रहती है।